स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो में हम बायोलॉजी सेक्शन का पार्ट नाइन डिस्कस करेंगे जो कि हमने एच पी टैट मेडिकल के रिगार्डिंग एक प्रेपरेशन सीरीज शुरू की है जिसमें हम एम सी क्यूज डिस्कस करते हैं और ये एम सी क्यूज बेस्ड होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर एंड कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन वट इज़ हाइड्रोपोनिक्स ऑप्शन ए है वाटर ऑप्शन बी है सोल्यूशन कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑप्शन सी है ग्रीन हाउस एंड ऑप्शन डी है लिक्विड सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स जिस सॉल्यूशन में हम प्लांट्स की डेवलपमेंट करवाते हैं विदाउट सॉइल उस टेक्निक को बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसिस में कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ऑप्शन ए है ओनली एटीपी ऑप्शन बी है एटीपी एंड एन ए डी पी एच ऑप्शन सी है ए टी पी एंड एफ ई डी एच टू ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑनली ए टी पी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री जीनस रिप्रेजेंट्स जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस इज ऑप्शन ए है फुट एंड माउथ वायरस ऑप्शन बी है पॉक्स वायरस ऑप्शन सी है टोबैको मोजैक सेटेलाइट ऑप्शन डी है सिट्रस ट्रेस्टीजा वायरस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दट इज फूट एंड माउथ का जो वायरस होता है वो स्मॉलेस्ट एनिमल वायरस होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव वट इज अ कॉमन बिटवीन पैरट प्लेटिपस एंड कैंग्रू? ऑप्शन ए है ओवर पैरिटी ऑप्शन बी है होम्योथर्मी ऑप्शन सी है टूथलेस जॉस एंड ऑप्शन डी है फंक्शनल पोस्ट एनल्टे सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज होम्योथर्मी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स वैनम ऑफ कोबरा अटैक्स ऑप्शन ए है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑप्शन बी है इम्यून सिस्टम ऑप्शन सी है नर्वस सिस्टम एंड ऑप्शन डी है सर्कुलेटरी सिस्टम सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज नर्वस सिस्टम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन अ कनेक्टिव टिश्यू शीत कवरिंग अ मसल फाइबर इज कॉल्ड ऑप्शन ए है एंडोमाइजियम ऑप्शन बी है पैरिमाइजियम ऑप्शन सी है एपिमाइजियम एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज एंडोमाइजियम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट फॉरेस्ट ऑफ नफ्रीडिया आर ऑप्शन ए है सेप्टर नेफ्रीडिया ऑप्शन बी है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया ऑप्शन सी है फेरेंजियल नेफ्रीडिया एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दैट इज इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन हो परपोज लॉ ऑफ कॉन्सटेंट क्रोमोजोम नंबर सो ऑप्शन है ऑप्शन ए है आउटडक्ट ऑप्शन बी है स्ट्रास बर्गर ऑप्शन सी है फ्लेमिंग एंड ऑप्शन डी है रूडॉल्फ फर्च्यो सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्ट्रास बर्गर ने लॉ दिया था कॉन्स्टेंट क्रोमोजोम नंबर का क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वट इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए सो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोफिल ए का फार्मूला रहता है सी थर्टी सी फिफ्टी फाइव एच सेवेंटी टू ओ फाइव एन फोर एंड एम जी सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन स्ट्रॉगेस्ट अमाइलेज कौन सा है ऑप्शन ए है सिलाइबरी अमाइलेज ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक अमाइलेज ऑप्शन सी है इंटेस्टाइनल एंड ऑप्शन डी है पेनक्रियाटिकज सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज पेनक्रियाटिकज क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू कार्डिया मीन्स ऑप्शन ए है हर्ट प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ द मैन ऑप्शन बी है इलाजमेंट ऑफ हार्ट ऑप्शन सी है इंड सॉरी इन एडिक्यूएट ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हर्ट ऑप्शन डी है इन्फ्लेमेशन ऑफी पेरिकार्डियम सो जब किसी पर्सन में राइट right साइड में हर्ट प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं डेक्सटोकार्डिया सो इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री किडनी रिसीव अबाउट डैश ऑफ ब्लड पर मिनट सो एक मिनट में किडनी कितना ब्लड रिसीव करती है सो so, इस क्वेश्चन का राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी देट इज ट्वेल्व हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज ऑप्शन ए है ट्वेंटी सिक्स ऑप्शन बी है ट्वेंटी एट ऑप्शन सी है सिक्सटी एंड ऑप्शन डी है ट्वेंटी नाइन सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज ट्वेंटी नाइन बोन्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन स्कल में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव पीटन कॉम लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द आई ऑफ ऑप्शन ए है फिश ऑप्शन बी है फ्रॉग ऑप्शन सी है बर्ड्स एंड ऑप्शन डी है मैमल्स सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज बर्ड्स में पीटन कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि आईज में बर्ड्स की क्वेश्चन नंबर इज फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी ऑप्शन ए है प्रोजिस्ट्रॉन ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन एंड ऑप्शन डी है एक्सट्रोजन सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज ऑक्सीटोसिन जिसको बर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है क्वेश्चन सेवेंटी सेवन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय ऑप्शन ए है किलिंग द ओवम ऑप्शन बी है ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन ऑप्शन सी है प्रिवेंटिंग ओवुलेशन एंड ऑप्शन डी है प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर नंबर सी दैट इज प्रिवेंटिंग ओवुलेशन क्वेश्चन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय ऑप्शन ए है टी ऑप्शन बी है बी लम्फोसाइड्स ऑप्शन सी है थ्रोम्बोसाइट्स एंड ऑप्शन डी है इट इथ सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज टी लिम्फोसाइट्स क्वेश्चन नंबर 79, नाइन वी एम कंटेन्स ऑप्शन है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ऑप्शन भी है सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऑप्शन सी है सिम्बायोटिक फंजाई एंड ऑप्शन डी है सेप्रोफिटिक फंजाई सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज सिम्बायोटिक फंजाई एंड वी एम स्टैंड फॉर वस्क्यूलर एंड माइकोराइसा क्वेश्चन नंबर एटी क्रोकोडाइल आईलैंड बर्ड एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन ए है सिम्बोसिस ऑप्शन बी है प्रेडिशन ऑप्शन सी है पैरासिटिज्म एंड ऑप्शन डी है प्रोटो कॉर्पोरेशन सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज प्रोटो कॉर्पोरेशन क्वेश्चन नंबर एट्टी वन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इन विजिबल स्पेक्ट्रम ऑप्शन ए है ऑनली ग्रीन लाइट ऑप्शन बी है ब्लू एंड रेड लाइट ऑप्शन सी है येलो एंड ब्लू लाइट एंड ऑप्शन डी है होल विजिबल स्पेक्ट्रम सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज ब्ल्यू एंड रेड लाइट क्वेश्चन नंबर एटी टू फॉर हाउ मैनी ईयर द ईस्ट दैट इज सेक्रोमाइसीड्स कैन बी इन ड्राई स्टेट ऑप्शन ए है फाइव ईयर ऑप्शन बी है टू ईयर्स ऑप्शन सी है वन पॉइंट फाइव ईयर्स एंड ऑप्शन डी है फोर ईयर सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दट इज फोर ईयर क्वेश्चन नंबर एटी थ्री नेम द हॉर्मोन दैट कंट्रोल्स अ मेटामोर्फोसिस इन फ्रॉक ऑप्शन ए है एडर्नलिन ऑप्शन भी है इंसुलिन ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन ऑप्शन डी है ग्रोथ हार्मोन सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज थ क्वेश्चन नंबर एटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड फ्लू वायरस विच इज ऑल्सो नोन एज एवियन फलू वायरस सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दट इज एच फाइव एन वन वायरस क्वेश्चन नंबर एटी फाइव मुर्रा इज़ ब्रीड ऑफ विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन ए है काउ ऑप्शन बी है बुफेलो ऑप्शन सी है गॉड एंड ऑप्शन डी है शीप सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज मुर्रा जो है वो बुफेलो की ब्रीड है क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स बाई वेट वट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी ऑप्शन ए है टेन परसेंट ऑप्शन बी है सेवनटीन परसेंट ऑप्शन सी है जीरो सेवन परसेंट एंड ऑप्शन डी है सिक्सटीन परसेंट सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेवन परसेंट क्वेश्चन नंबर एटी सेवन विच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवियार्ड ऑफ आरवीज ऑप्शन ए है लीवर ऑप्शन बी है स्टमक ऑप्शन सी है थाइमस एंड ऑप्शन डी है स्प्लीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्प्लीन क्वेश्चन नंबर एटी एट विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन ऑप्शन ए है लीवर ऑप्शन बी है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑप्शन सी है किडनी एंड ऑप्शन डी है हार्ट सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज लीवर क्वेश्चन नंबर एटी नाइन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑप्शन ए है टेन लैख ऑप्शन बी है फाइव लैख ऑप्शन सी है ट्वेंटी लैख एंड ऑप्शन डी है फिफ्टीन लैख सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ ट्वेंटी लैख एंड अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि ह्यूमन किडनी में एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट इज़ वन लैख एंड पूरी बॉडी का पूछा गया हो तो दैट इज़ ट्वेंटी लैख क्वेश्चन नंबर नाइन्टी द बैक्टीरिया फॉर जैपनीज फीवर अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ बॉडी ऑप्शन ए है ब्रेन ऑप्शन बी है लीवर ऑप्शन सी है स्टमक एंड ऑप्शन डी है आइज सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ट्री ऑप्शन बी है श्रब ऑप्शन सी है हर्ब एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है पाइनस जो है वो एक ट्री है क्वेश्चन नंबर नाइनटी टू द डेज ओजोन ले सिचुएटेड इन ओजोन लेयर कौन से स्फेयर में प्रेजेंट होती है ऑप्शन ए है लोनो आइनोस्फेयर ऑप्शन बी है मीजोस्फेयर ऑप्शन सी है स्ट्रेटोस्फेयर एंड ऑप्शन डी है ट्रोपोस्फेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज स्ट्रैटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई ऑप्शन ए है ओडम ऑप्शन बी है ए जी टैंसले ऑप्शन सी है स्टैनली एंड ऑप्शन डी है महेश्वरी सो so, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज ए जी टांसले क्वेश्चन नंबर नाइटी फोर द प्लांट एबजॉर्व नाइट्रोजन इन विच फॉर्म ऑप्शन ए है नाइट्रेट ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ट्राई ऑप्शन सी है नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज नाइट्रेट क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट सो ऑप्शन ए है एड्स दैट इज बेसिलस ऑप्शन बी है मलेरिया दैट इज ट्रिप्नोसोमा एंड ऑप्शन सी है टाइफाइड दैट इज साल्मोनेला एंड ऑप्शन डी है गोनोरिया दैट इज वायरस सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स इफ अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू हाई माउंटेन पीक देन हिज कोई पर्सन अगर सी लेवल से जो है वो हाई माउंटेन पीक की तरफ जाता है या फिर चला जाए तो क्या होगा सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रीदिंग विल इंक्रीज क्योंकि जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है उसकी कंसनट्रेशन कम होती है जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स एस ऑप्शन ए है ग्लूकोज ऑप्शन बी है माल्टोज ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज एंड ऑप्शन डी है सुक्रोज सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज सुक्रोज क्वेश्चन नंबर नाइनटी एट ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ ए बैंड मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ए बैंड की लेंथ क्या होती है ऑप्शन ए है चेंज टू स्मॉलर एक्सटेंट ऑप्शन बी है चेंज टू लार्जर एक्सटेंट ऑप्शन सी है रिमेन्ज अनचेंज एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज रिमेन अनचेंज कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन विच पेयर आर द फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी ऑप्शन ए है एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ ऑप्शन बी है वन टू सेवन ऑप्शन सी है इलेवे टू ट्वेल्थ एंड ऑप्शन डी है ऑल द ट पेयर्स सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज फ्लोटिंग रिब्स जो हैं वो इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ रहती हैं एंड वन टू सेवन जो पेयर्स होता है रिब्स का वो ट्रू रिब्स होती हैं एंड एट्थ नाइन्थ टेंथ रिब जो होती है इन्हें फॉल्स रिब के नाम से जाना जाता है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड प्री नेटल डिफेक्ट इन द फोक्ट फीटर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑप्शन ई है लेप्रोस्कोपी ऑप्शन बी है एमिनो सेंटेंसिस ऑप्शन सी है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ऑप्शन डी है एम आर आई सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेट इज एमिनो सेंटेंसिस जो कि बैन हो गई है इंडिया में नाइनटीन में जिसके ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हैरिडिटरी डिजीजेज का पता लगा सकते हैं एम्ब्रॉय में बट ये अब बैन हो चुकी है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड वन फिब्राइन इज अ डिजीज ऑफ ऑप्शन ए है कैटल ऑप्शन बी है सिल्क फॉर्म ऑप्शन सी हैन एंड ऑप्शन डी है फिश सो so, इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर बी दट इज सिल्क फॉर्म क्वेश्चन नंबर हंड्रेड एंड टू फोटो कैमिकल स्मोक डजेंट कंटेन ऑप्शन ए है पैन ऑप्शन बी है ओजोन ऑप्शन सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड डाई ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी है कार्बन डाईऑक्साइड सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज कार्बन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थ्री द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाई विच पार्ट ऑफ ब्रेन ऑप्शन ए है सेबरम ऑप्शन बी है पॉन्स वेरोली एंड ऑप्शन सी है मेडुला ऑब्लोगेटा एंड ऑप्शन डी है हाईपोथेलमस सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज मेडुला ऑब्लोगेटा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड फोर एन एरिया ऑफ द रेटीना विच डजेंट आर ऑप्शन ए है येलो स्पॉट ऑप्शन बी है रेड स्पॉट ऑप्शन सी है ब्लाइंड स्पॉट एंड ऑप्शन डी है ब्लू स्पॉट सो इसे बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फाइव पोमोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ ऑप्शन ए है फ्रूट्स ऑप्शन बी है फ्लावर्स ऑप्शन सी है रूट्स एंड ऑप्शन डी है लीव्स सो स्टडी ऑफ फ्रूट्स को बोला जाता है पोमोलॉजी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्स फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी ऑप्शन ए है स्टीफन हेल्स ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच ऑप्शन सी है एरिस्टोटल एंड ऑप्शन डी है जे जी जे मैंडल सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज स्टेफन हिल्स को बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन नंबर हंड्रेड सेवन प्लांट ग्रो इन लोअर लाइट साइट्स आर कॉल्ड ऑप्शन ए है हेलिफाइड्स ऑप्शन बी है लॉन्ग डे प्लांट ऑप्शन सी है शे टॉलरेंट एंड ऑप्शन डी है डे न्यूट्रल प्लांट्स सो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज शे टॉलरेंट प्लांट्स

सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज लेटेक्स फ्रॉम अनराइट कैप्स्यूल से हम ओपियम लेते हैं पॉपी प्लांट्स से क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टेन द लाइन विच लाइज बिटवीन फिफ्टी फाइव डिग्री टू सिक्सटी डिग्री लैटिट्यूड कैन नॉट ग्रो ट्रीज बियॉन्ड इट इज कॉल्ड ऑप्शन ए है टेराई ऑप्शन बी है इकोटोन ऑप्शन सी है टिम्बर लाइन एंड ऑप्शन डी है वो लाइन सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज टिम्बर लाइन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड इलेवन द टेन परसेंट लॉ इज़ रिलेटेड टू सो टेन परसेंट लॉ जो है वो दिया था लिंडमैन ने दिया था और जो टेन परसेंट लॉ है वो बेस्ड था जैसे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू अनदर ट्रॉपिकल लेवल सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉपिकल लेवल टू हायर ट्रॉपिकल लेवल क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेल्व दैट इज यूज एंड एंटी कैंसर ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बार्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑप्शन ए है पेपर सोमनीफेरम ऑप्शन बी है क्विनिन ऑप्शन सी है टी बैक्टा एंड ऑप्शन डी है पेंसिलिन सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज पेपर सोमनीफेरम से ली जाती है एंटी कैंसर ड्रग ऑप्शन क्वेश्चन वन हंड्रेड थर्टीन Which of the following countries has the highest biodiversity? Option A Brazil, option B South Africa, option C Russia and option D is India. So this question the right answer is option number A that is Brazil. Question number 114 the organization which publishes the red list of species. Option A is IUCN, option B is ICFRE, option C is UNEP and option D is WWF. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज सी एन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड टिश्यू ऑन रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच रूट ऑप्शन ए है फ्लोटिंग रूट्स ऑप्शन बी है एसिमिलेटरी रूट्स ऑप्शन सी है पैरासिटिक रूट्स एंड ऑप्शन डी है एपीफिटिक रूट्स सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज एपी रूट्स क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सिक्सटीन फाइलोक् मॉडिफिकेशन ऑफ ऑप्शन ए है स्टेम ऑप्शन बी है पेटियोल ऑप्शन सी है रूट एंड ऑप्शन डी है ऑल द अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दट इज पेटियोल क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सेवनटीन सिलेक्ट मैच सो ऑप्शन ए है कोलकाई कम एटूमलेट दैट इज सोलोशिय ऑप्शन बी है पेटिया दैट इज सोलोनेशिये ऑप्शन सी है ग्लोरिसा दैट इज फेब और ऑप्शन डी है ट्राइफोलियम दैट इज लीली एसिए सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज पिट्यूनिया जो कि है सोलोनेशिए फैमिली से क्वेश्चन नंबर 118 प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ हैडिबल पोर्शन इन ऑप्शन ए है एप्पल ऑप्शन बी है बनाना ऑप्शन सी है टोमेटो एंड ऑप्शन डी है पोटैटो सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज टोमैटो क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड नाइनटीन सिक्रीट ऑप्शन ए है सॉल्ट ऑप्शन बी है फूड ऑप्शन सी है एसेंशियल ऑयल्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज एसेंशियल ऑयल्स एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है ये जो क्वेश्चन है इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है सो so इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही नेक्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा बायोलॉजी का जिसमें हम पार्ट टेन डिस्कस करेंगे तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें